दोस्तों आज तक मैंने आपको बहुत सारे आरसी टॉयज दिखाए हैं जिसमें ज्यादातर रोबोट्स होते हैं या फिर आरसी कार्स होती हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आरसी टैंक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों अगर मैं टॉय की बात करूं तो ये एक जर्मन कंपनी की तरफ से आता है और ये एक आरसी टॉय है, तो इसको हम एक बार अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों इसके बॉक्स में आपको ये आरसी टैंक मिलता है जो फोर व्हील ड्राइव है, जिससे भाई ये काफी तेज हो जाता है। वैसे इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 25 km/h, अगर आरसी कार्स के हिसाब से 25 km/h आपको पता है ये काफी तेज होती है। इसके साथ आपको ये 2.4 GHz का वायरलेस कंट्रोलर मिलता है इसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही में आप इसको जेस्चर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक खास बात इसको बहुत ही खास बनाती है, मतलब इस टैंक को बहुत ही खास बनाती है, वो ये है कि ये वाटर बॉल्स को शूट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको ये वाटर बॉल्स बनाने के लिए और भी मिलती है। इससे आप पानी में सोखने के लिए डाल दीजिए 4 घंटे के लिए, उसके बाद बॉल्स बन जाती है, वो आपको कुछ यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। उसके बाद ये उन्हें शूट करेगा 10 फीट तक, जो काफ़ी बढ़िया डिस्टेंस है। और साथ ही में आपको ये बैटरी मिलती है जिसमें आपको मिलती है 3000 mAh की कैपेसिटी, जो चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का टाइम लेती है और उसके बाद आप इससे 30 मिनट तक खेल सकते हैं। बातें भाई बहुत हो गई, एक बार हम इसको असेंबल कर लेते हैं उसके बाद इसको चला के देखते हैं। दोस्तों इस बैटरी को आपको इसके पीछे लगाना है और इसके रिमोट में लगेंगी AA बैटरी। शायद पहले इसमें ये बैटरी को लगा लेते हैं उसके बाद इसके रिमोट को खोलते हैं। दोस्तों हमने कर लिया इस टॉय को असेंबल, जो इसमें बैटरी आई थी वो हमने लगा दिया टैंक में और इसमें तो AA बैटरीज लगा दी है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे आप इसको इस बॉस से भी चला सकते हैं जेस्चर की मदद से, हम इससे नहीं चलाएंगे, हम पहले रिमोट से चला के देखेंगे कि ये कैसी चलती है। इसको ऑन कर लेते हैं। भाई काफी तेज है। आप इसका जो म्यूजिक है वो बंद कर सकते हैं इस रिमोट की मदद से, बाकी हम देखते हैं। भाई भाई स्पीड के मामले में तो काफी तेज है। वैसे इसके टायर थोड़े रफ से बना रखे हैं जिससे ये थोड़ी अटक अटक के चलती है, लेकिन ये थोड़ा स्लिपरी सरफेस है तो हमें उतनी अच्छे से पता नहीं चल रहा है। इसको हम थोड़े बड़े स्पेस में भी चला के देखेंगे। दोस्तों जो इस टॉय का मेन फीचर है वो ये है कि और भी इसको शूट करता है, मतलब जो ये वाटर बॉल्स होती हैं इसमें हम डालते हैं, लेकिन इसमें छोटी वाटर बॉल्स आपको डालनी पड़ेगी, जो बड़े साइज की हैं वो ये शूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं भाई आगे से छोटा सा मुंह है इसका। छोटी जो वाटर बॉल्स हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद शूट करके देखते हैं। दोस्तों हमने इसमें और भी डाल दिए हैं छोटी छोटी ढूंढ के, क्योंकि इसमें काफी बड़ी बड़ी भी थी। एक बार हम इसको फिर से चला के देखते हैं और वाटर कैन से शूट करके देखते हैं कि बॉल्स कितनी तेज जाती है। शूट के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये बटन मिलता है, आपको बटन दबाना है उसके बाद ये शूट करेगी। काफी तेज जा रही है भाई, दिख भी नहीं रही। एक ही शूट कर रही है, काफी तेज कर रही है लेकिन। ओहो अरे बड़ी तेज लग रही है भाई। फिर से दबा के देखते हैं। अरे काफी तेज आ रही है भाई। उसके अलावा इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इसको दबा के देखते हैं लेफ्ट राइट का, अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। उसके अलावा ABCD का ऑप्शन मिलता है भाई। ये तो बाहर हो गई थी कंट्रोल से, बस बाकी यही फीचर है। उसके अलावा इसको चलाने के लिए आपको बड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा टेबल है इसमें चल नहीं सकती। इसका स्पीड टेस्ट करेंगे हम थोड़े ये बड़े स्पेस में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा भाई काफी बढ़िया तरीके से शूट करती है बॉल, एक बार हम और करके देखते हैं। काफी तेज कर रही है, शायद हो सकता है आपको ना दिख रही हो लेकिन काफी तेज शूट कर रही है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसकी बॉल्स काफी तेज शूट होती है, हो सकता है आपको कैमरे में ना दिखी हो लेकिन भाई बहुत ही तेज शूट हो रही थी।
हाथ में फील हो रही थी। ये लगभग 10 फीट तक शूट कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड है 25 km/h की, जो हम इस छोटे से टेबल पे तो टेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम करेंगे एक रूम में टेस्ट। बाकी इसको मैंने अमेजन से मंगाया है 7,000 रुपए में। अगर आपको ये टैंक पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।